नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सचिन देव और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। खैर मकदम करता हूँ अपनी इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो शुगर के बारे में, पार्ट है पांचवा, पांच पार्ट आज हो जाएंगे पूरे, चार पार्ट पहले बन चुके हैं शुगर के ऊपर। शुगर क्या होता है, किस तरह का होता है, टाइप वन टाइप टू क्या होता है, कैसे पता करें, इंसुलिन कितने प्रकार की होती हैं, कितने यूनिट आपको इंसुलिन लेनी होती है, ये सब चार पार्ट में आपको बताई गई है। पांचवा पार्ट है जिसमें आपको बताया जाएगा कि इंसुलिन का जो इंजेक्शन है वो कैसे लिया जाता है। यूनिट आपको पता लग गई थी पिछली वीडियो में, अब मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि इंजेक्शन कैसे लगाते हैं। देखिए यूनिट जो आप लेते हैं 20-30 जो भी मैंने आपको बताई थी, वो आप दो तरीके से ले लेते हैं इसमें इंसुलिन। एक तो होता है पेन टाइप होता है, एक आपको पेन टाइप एक कार्ट्रेज वाला इंजेक्शन आता है तो आप उसे लगा सकते हैं, और एक आता है सिरिंज आती है जो नॉर्मल इंजेक्शन जो लगाते हैं वो होता है। तो मैं दोनों ही चीज़ें करके दिखाऊंगा, इसमें आपको दोनों ही चीज़ें बताऊंगा। पहले मैं पेन वाली दिखाऊंगा, उसके बाद अगली वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा सिरिंज से आप कैसे लगाते हैं। तो आज की वीडियो है कि आप पेन के द्वारा कैसे लगाते हैं, कार्ट्रेज के द्वारा कैसे लगाते हैं। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पहले हमें समझना होगा कि मेरे भाई कि कहाँ पर यह किस एरिया में इंजेक्शन लगाया जाता है, क्योंकि ये सेलेक्टेड एरिया में ही लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप नसों में लगा दें, ऐसा नहीं कि अगर इंट्रामस्कुलर है तो आप कहीं भी लगा दें। तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप एक बार स्क्रीन पर देख लीजिएगा। ये कुछ इस तरह से आपका पैटर्न है, यहाँ पर आपको इंजेक्शन लगाने होते हैं। आप बाजू के दोनों साइड में देख सकते हैं, बाहरी तरफ लगाने हैं बाजू के साइडों में, पीछे आगे की तरफ नहीं, साइडों में आप देख लीजिए जहां पर ये निशान बने हुए हैं। फिर थाई पर देख लीजिए, जांग पर, ये भी साइडों में, बाहर की तरफ आपको इंजेक्शन लगाने होते हैं। और अब जो पेट का एरिया आप देख रहे हैं, यहां पर भाई कैसे लगाना, पेट पर ये नहीं कहीं भी लगा दिया, नाभि जो आपकी होती है चार उंगली छोड़ करके, उसको नाभि से चार उंगली छोड़ करके तब आपको लगाना है। चारों तरफ, दाएं भी चार उंगली छोड़ के, ऊपर भी चार उंगली छोड़ करके, बाएं भी चार उंगली छोड़ करके और नीचे भी चार उंगली छोड़ करके तब आपको इंजेक्शन लगाना है। नाभि से बचाकर इंजेक्शन को लगाना है, ये ध्यान में रखें। तो आपने स्क्रीन पर आपने देख लिया होगा कि कैसे और किस जगह पर इंजेक्शन लगाया जाता है। अब लाइव देख लेते हैं कि जो पेन वाला है, कार्ट्रिज वाला जो आप इंजेक्शन इंसुलिन लेते हैं वो किस तरह से ली जाती है। और इससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, देखिए थोड़ा ये महंगा पड़ता है। सिरिंज वाला जो इंसुलिन लेते हैं आप, जो वायल से लेते हैं, इंजेक्शन वाला लेते हैं, वो सस्ता पड़ता है, लेकिन ये जो कार्ट्रेज वाला है थोड़ा महंगा पड़ता है। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो सिरिंज से ले सकते हैं, इंजेक्शन से ले सकते हैं, वायल द्वारा ले सकते हैं, उन्हें कार्ट्रेज वाला लेने की जरूरत नहीं है। बट जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ले सकते हैं। तो अब चलते हैं और देख लेते हैं कि कैसे ये कार्ट्रेज वाला जो पेन वाला इंजेक्शन है कैसे लगाया जाता है।